आज सुबह 10 बजे हमारा पूर्व से प्लान था कि शहीद स्मारक आके और बच्चों की जो भी मांगे हैं, जो भी भर्तियों में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित घोटाले हो रहे हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा होने वाले थे। तो पुलिस ने पहले हमको धरने की परमिशन नहीं दी, उसके बाद में बच्चे जो सुबह बड़ी संख्या में पहुँच रहे थे उनको धारा 144 का हवाला देकर और कोविड का महामारी का केस लगाने की धमकी देकर वहाँ से भगा दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है ये युवाओं की आवाज़ से डर गई है, इसीलिए इन्होंने केवल धरना और जो रैली हैं इन्हीं पे प्रतिबंध लगाया है। बसों में आप देखिए ठसाठस चल रही हैं, शादियों में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जो भी पार्टियां हैं उनके जो आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। केवल बच्चों को ही दबाने के लिए इन्होंने ये एक्शन लिया है। अब आप बताइए, डेमोक्रेसी में एक दबा हुआ बच्चा जिसका आप खून चूस चुके हो, वो अपनी आवाज़ में नहीं उठाए, कहाँ जाके बताएगा, वो कहाँ बोलेगा, वो अपने हक की आवाज़ नहीं करेगा तो कौन उसकी है ना आवाज़ सुनेगा। अपने प्रदेश में बोलने की उसको आज़ादी नहीं है तो आप देख लीजिए क्या डेमोक्रेसी है। ये बड़ा डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं, इन्होंने तो गला घोट दिया डेमोक्रेसी का। फिलहाल आपको जो है अपना आंदोलन आगे किस तरह से रणनीति तय करेंगे? अभी हम जो हमारे विद्यार्थी साथी हैं उनसे चर्चा करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे, चाहे ओमिक्रॉन का कितना ही उसमें फैलाव आ जाए, पर अलग तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा या ग्राउंड में जो भी पॉसिबल होगा हमसे बेस्ट वो हम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस फैलाते रहेंगे।